सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पगडाल टोल टैक्स पर विगत दिवस किसानों के द्वारा नहर के पानी सहित बिजली व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर किसानों के द्वारा चक्का जाम सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री कमल पटेल का पुतला दहन किया गया था, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा किसानों को लिखित आश्वासन दिया गया था कि अब बिजली व्यवस्था सुचारू रहेगी। वहीं नहर विभाग के एसी द्वारा आने का आश्वासन दिया गया था, जिसके चलते किसानों के द्वारा आंदोलन समाप्त किया गया था, जिसके बाद सिवनी मालवा नहर विभाग पहुंचे। नहर विभाग के एसी आरआर मीना से किसानों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा नहर के पानी को लेकर चर्चा की गई। वहीं एसी आरआर मीना द्वारा किसानों को नहर का पानी तय गेज से देने का आश्वासन दिया गया है। आम आदमी पार्टी नेता समित पटेल ने बताया कि आंदोलन वाले दिन नहर विभाग के एसी स्वास्थ्य खराब होने के चलते नहीं आ पाए थे, जिनसे आज चर्चा की गई है। हमारे द्वारा बताया गया है कि किसानों के द्वारा मूंग की फसल की बोनी कर दी गई है। वही यदि नहर का पानी नहीं मिला तो किसानों की फसल खराब हो जाएगी, जिस पर नहर विभाग के एसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पानी निर्धारित गेज से चलाया जा रहा है एवं नहर विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि नहरों में नियमित पेट्रोलिंग करें, जिससे कि टेल क्षेत्र तक के किसानों को पानी पहुंचाया जा सके। वही आंदोलन के बाद से नहरों में पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच रहा है, साथ ही बिजली व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। आज किस प्रकार की चर्चा हुई है इस हिसाब से वरिष्ठ अधिकारियों से? कल पगढ़ाल में किसानों ने चक्का जाम रखा था, मुख्यमंत्री मंत्री का पुतला दहन रखा था। वहां पर ये तय हुआ अंत में कि एसी साहब कल मतलब आज के दिन हम किसानों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे जो मांगे हैं उसको मूर्त रूप देंगे। कल उन्होंने नहर में सारे गेज बढ़ाए थे, सभी नहरों में जिनकी हमने मांगे की थी, और बराबर आज अभी तक तो पानी चल रहा है। अब हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हमें जो पानी मिलना चाहिए हमारा हक का वो मिलता रहे, और उससे अगर कम होगा तो फिर वही आंदोलन की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। एक और बात थी, किसान के साथ अवैध व्यवहार भी किया गया था, उस संबंध में किसी प्रकार की चर्चा? अभी उस समय संबंध में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, और हम ये चाहते हैं और अपेक्षा रखते हैं अधिकारियों से कि जिस प्रकार किसान खेतों में परेशान हो रहा है, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी आपके साथ अभद्रता नहीं करता, कुछ तेज आवाज में बात हो सकती है लेकिन वो अभद्रता नहीं करता, लेकिन आप लोग अगर अपनी सीमा लागेंगे तो उससे किसान नाराज होगा। और कल यही हुआ था, कल जो पुतला दहन हुआ था वो उसी कारण हुआ था। इसी कैंपस में हम लोग आए थे एक हफ्ता पहले, और हम यहाँ से जब निकले हमारे साथ अभद्रता हुई, और हम ये कह के निकले थे, एसी साहब मीटिंग छोड़ के चले गए थे। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पुतला दहन करेंगे, और कल पुतला दहन भी हुआ। और आज भी अगर हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं होता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, और हमारी बात हम रखेंगे और हमारा हक भी लेकर रहेंगे।